जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदीहा महफूज ऑनलाइन बिजनेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे आपकी ज़ात पे यकीन के हवाले से बात करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले यकीन के मानी जानना जरूरी है, फिर हम देखेंगे हमारी मंजिल, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यकीन क्या चीज है। यकीन वो खजाना है जो किसी के हाथ लग जाए तो तमाम कामयाबियां उसके सामने ढेर हो जाती हैं। यकीन वो ताकत है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। यकीन एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम कामयाबी की बुलंदों वाला इमारत को खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारा यकीन मजबूत है तो कामयाबी की इमारत भी मजबूत होगी। अगर हमारा यकीन कमजोर है तो कामयाबी की इमारत भी कमजोर होगी। ये यकीन ही तो था जिसकी वजह से हजरत मूसा कलीम अल्लाह, हजरत इब्राहिम हलील अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह बन गए। अगर हमें अल्लाह पाक की जात पर यकीन आ जाए तो आज भी मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है। आज भी ऐसा मार के हम लोग जो है तो जमीन के जलजले को रोक सकते हैं। ये यकीन ही तो था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोगों ने कामयाबियां हासिल की। अगर यकीन की बात करें तो हम लोग बिल गेट्स की मिसाल ले सकते हैं, जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट से एक कामयाब तरीन अमीर तरीन इंसान बन गया और जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक 65 साल बूढ़े आदमी को अपनी जात पर यकीन आ गया तो उसने फास्ट फूड चेन के अफसी बना डाली। मलिक रियाज को अपने आप पे यकीन आया तो वो दुनिया पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाने लगा। ये यकीन ही तो है जिसकी वजह से नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर कदम रखा। इसी यकीन की वजह से बगैर हाथों बगैर पाँव के चलने वाले शख्स ने दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड हासिल किए। जी हाँ, मैं निक की बात कर रही हूँ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो एक लीडर है, जो एक मेंटर है, जो एक डांसर है, मैं उसके हवाले से बात किए जा रही हूँ। ये यकीन ही तो था जिसकी वजह से लीना मारिया, जो कि एक माजूर लड़की थी, उसने मोंटेसरी की बुनियाद रखी। बगैर हाथों के बगैर पाँव के उस औरत ने दुनिया का हर काम किया। उसने पेंटिंग भी की, उसने गाड़ी भी चला के दिखाई, उसने खाना भी पिया खाया, उसने पानी भी पिया, उसने हर काम बगैर हाथों के और बगैर पाँव के करके दिखाया। तो हम मुकम्मल ऐसा के होते हुए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों हम लोग जिंदगी में से मायूस हो चुके हैं? क्या हमें अपने आप पे यकीन नहीं है? हर इंसान कामयाब होना चाहता है। ये याद रखिएगा, हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो और हर इंसान इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कोशिश भी जरूर करता है, लेकिन वो क्या गलती करता है? उस सिमत का दुरुस्तायन नहीं कर पाता। उसे जाना लाहौर होता है और वो रास्ता कराची का पकड़ लेता है। इस वजह से हम में से बहुत सारे लोग जो है सिमत का दुरुस्तायन ना करने की वजह से लाइफ में पीछे रह जाते हैं। अगर हमें आज भी अपनी जात पे यकीन आ जाए तो हम भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। हम भी ऐसी हस्ती बन सकते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद रखें। कामयाबी हमेशा माइंड गेम में होती है, कभी भी मसल्स गेम से कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा माइंड गेम से कामयाबी मिलती है। अगर हम लोग अपने माइंड गेम को यूज करते हैं तो हम लोग जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मसल्स गेम यानी जिस्मानी मशक्कत तो मजदूर भी बहुत करता है, फिर मजदूर क्यों
डाकू मरता है, फिर क्यों आज कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कारोबार में बरकत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने तजारत में, बिजनेस में बरकत दी है। इस बात को मैं जो है विद लॉजिक कैसे बयान कर सकती हूँ कि हमारे जो पूरे मुल्क की दुनिया की आबादी है, पूरी दुनिया की आबादी का 96% जो है वो मजदूर तबका है या फिर कान आते हैं नौकर आते हैं। ठीक हो गया, मजदूर और नौकर 96% है जिनको टोटल जो हमारी इनकम होती है उसका सिर्फ 20% मिलता है, और जो बाकी 4% लोग हैं वो है बिजनेसमैन या वो है इन्वेस्टर, जो के टोटल जो हमारे पास पैसे आते हैं, टोटल आमदनी आती है उसका 80% ले जाते हैं। अब फैसला आपने करना है, ये आपका फैसला होगा कि आपने जो है बिजनेस में जाना है या फिर आपने जो है तो क्या करना है कि या आपने बिजनेस करना है या आपने नौकर बनना है। अब ये आपकी मर्जी की बात है। हमें अपनी जिंदगी का एक मकसद जरूर रखना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा तो हम लोग दूसरों के मकासद को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग जो है अपना खून पसीना एक कर देते हैं दूसरों की जिंदगी के मकासद को हासिल करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया, कुरान पाक बार बार ये बात करता है, तहकीक करो, तहकीक करो, तहकीक करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हम दूसरी मखलूकात की तरह जब एक मकसद के लिए पैदा नहीं हुए बल्कि हमें मकसद को जानना होगा, हमें पहचानना होगा कि हमें क्यों पैदा किया गया, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना होगा, हमें अपने टैलेंट को पहचानना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके साथ होता भी नेगेटिव है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जो जिंदगी में हर टाइम रोते रहते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, उसे क्यों खुशियां मिल गई। ये जलन यही चीज है जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें अपने अंदर से इस सोच, इस चीज को खत्म करना होगा, तभी हम लोग जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने माइंड को, अपनी सोच को अपने मकसद के लिए यूज करना होगा। हमें अपनी जिंदगी को एक वीजन देना होगा, एक मकसद देना होगा, फिर उसको अचीव करने की कोशिश करनी होगी। हमें जानना होगा कि हमें क्यों पैदा किया गया, हमें पहचानना होगा अपनी जिंदगी का मकसद, क्यों पैदा किया गया हमें, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोई आपकी सोच चेंज नहीं कर सकता। और एक मिशन, एक मंजिल जो है, एक गोल हमें अपनी जिंदगी का देना होगा, क्योंकि जिन लोगों के हकीकी ख्वाब होते हैं वो उनको जरूर पूरा करते हैं। वो सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते उसी ख्वाब के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है तो आप उसे अपने बेडरूम में, अपने बेड के सामने बड़े बड़े लफ्जों में चार्ट के ऊपर पेस्ट कर दें, और उस मकसद को हासिल करने के लिए जितनी अपनी एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर दें। उस मकसद को जब तक हासिल नहीं करते आपने चैन से नहीं बैठना। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको लेट के भी उस मकसद को हासिल करना पड़े, अगर आप थक जाते हैं तो लेट के भी आपने उस मंजिल तक पहुँचना है, अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल करना है, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना है, और इस दुनिया को ये पैगाम देना है, जो टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, जो टूट के गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। मैं लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि इन फ्यूचर आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इसके साथ मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आप अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस पे जरूर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लास्ट पे मैं इन अल्फाज के साथ अपनी वीडियो को एंड करना चाहती हूँ, शिकवाए शबे जुल्मत से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए शबे जुल्मत से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा ही जलाते जाते। अल्लाह हाफिज़, बाय।